अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार और हेल्दी है, कतीरा गूंद की पुडिंग। कतीरा गूंद लिया है मैंने एक कप का चौथा हिस्सा और 5 गिलास पानी डालेंगे और इसको कवर करके आपने सारी रात भगोए रखना है। आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस को जो है वो मैंने बॉर्डर से काट लिया है। इसके काटने के बाद आप चाहे तो वैसे मक्खन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी डालना है और किसी भी पैन में, और इसको जो है वो अपने दोनों साइडों पर जो है वो फ्राई कर देना है। कतीरा गूंद जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको जॉइंट्स की पेन रहती है, उठते बैठते जिनके जॉइंट्स में आवाज़ आती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैदे की तजाबियत को ख़त्म करता है, हाजमे को दुरुस्त करता है। और इसका जो है ना इस्तेमाल हमेशा आपने सुबह के टाइम करना है। कतीरा गूंद का कोई भी डिश लेके आपने इस तरीके से सेट कर लेना है और गर्म गर्म दूध जो है वो ऊपर आपने डालना है, ब्रेड स्लाइस के जो हमने फ्राई किए थे देसी घी में ना, वो आपने डालना है। एक गिलास जो है वो मैं पानी ले रही हूँ, पानी को मैंने देखची में डाल, तकरीबन 400 मिलीलीटर जो है वो मैंने दूध लिया है। अच्छा, दूध डालते वक्त मैंने पानी पहले इसलिए डाला था ताकि दूध जो है वो जल ना जाए। दरमियानी आंच में जो है वो दूध को जो है वो मैं पकाऊंगी रबड़ी बनाने के लिए, और जरा देखूंगी कि जब इसकी जो है वो मलाई जो है वो देखची के साथ लग रही है, तो मैं इसको चम्मच की मदद से बार बार जो है वो दूध के सेंटर में करती रहूँगी। और जब दूध आधा रह जाए तो आपने खुश्क दूध का पाउडर जो है वो इसके अंदर डाल देना है, जो कि मैंने लगभग आधा कप लिया है। और इसके साथ जो है वो मैं डाल रही हूँ मिश्री का पाउडर। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मिश्री एक अच्छा ऑप्शन था, मेरे पास थी बड़ी तो मैंने इसलिए ये डाल दी। फ्लेवर के लिए, रबड़ी के फ्लेवर के लिए आप वनीला एसेंस के ड्रॉप्स भी डाल सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची। मैंने जो है वो छोटी इलायची ली है, तो वो जो है मैं रबड़ी के अंदर डाल दूंगी। जब आप देखेंगे रबड़ी जो है वो हमारी पक चुकी है, तो आपने इसको जो है वो किसी दूसरे बर्तन में डाल के इसको डिश आउट करके जो है वो रूम टेम्परेचर में आपने इसको ठंडा कर देना है। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में लाजमी रखिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जब देखेंगे कि ये अच्छे तरीके के साथ सेट हो गई है, तो हमने इसको जो है वो ब्रेड के ऊपर जो है वो इसकी लेयर जो है वो लगा देनी है। गूंद के तीरा के ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदे हैं। इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। इसको आप शरबत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पुडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं पुडिंग बना रही हूँ कतीरा गूंद की। ये देखिए, ये मिश्री है और मिश्री के अंदर जो है वो एक धागा होता है। जब मैं मिश्री कूटूंगी ना, तो ये धागे को जो है वो हम निकालेंगे। मिश्री मैंने कूट ली है और धागा को मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए, ये है हमारी कतीरा गूंद जो कि मैंने सारी रात भगोई रखी है। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से बादल हों। माशाल्लाह से किस कदर ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना कतीरा गूंद। अल्लाह ताला की कुदरत है ये भी। और ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, मिश्री का जो पाउडर है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितने कि आप मिठास पसंद करते हैं। साथ में मैंने खशखाश और चारों मगज लिए हैं, वो भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बादाम, काजू या किसी भी ड्राई फ्रूट का जो है पेस्ट डाल सकते हैं। अब मैं डाल दूंगी इसके ऊपर जो है वो कतीरा गूंद की लेयर। अच्छा, कतीरा गूंद की जो इसके ऊपर जो है वो मैं लेयर तो लगा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप में से किसी को जो है वो जैसे कि लाल शरबत बहुत ज़्यादा घरों में इन होता है, पसंद होता है लोगों को, तो अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो आप मिश्री की जगह जो है वो लाल शरबत भी जो है वो कतीरा गूंद के अंदर ऐड करके उसके ऊपर जो है वो बाद में इसकी जो लेयर लगा सकती हैं। अब मैं इसको गार्निश के तौर पर पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ। ये देखें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अगर तो आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।